सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों रात के 12:20 हो गए हैं, पूरा दिन ऐसे निकल गया, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा व्लॉग बनाने के लिए। अब मैं भालू और एप्पल को घुमाया है, भालू भी आ गया है घूम के। भालू चलो, और एप्पल भी। देखिए रात में कितना सन्नाटा है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा मुरैया के पेड़। मुरैया में रात में ही फूल खिलते हैं। ये देखिए मुरैया का पेड़ है, इसमें जो फूल हैं ये रात में ही खिलते हैं, दिन में मुरैया में फूल नहीं खिलते हैं। ये देखिए आप फूल। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है मुरैया में। ये है इसकी कली। और ये देखिए भंवरे इस पे आ रहे हैं फूलों पे। मुरैया के पेड़ में बहुत सुगंधित महक आती है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार पेड़ है ये। और जो भी भाई खुशबू का शौकीन है वो इस पेड़ को ज़रूर लगाए, पूरा घर महका देता है ये। देखिए ये, अरे देखिए भालू एप्पल घूमते हुए। देखिए रात हो गई है बिल्कुल, कितना सन्नाटा है मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, कोई शोरगुल नहीं है यहाँ पे, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। और ये देखिए रात में पेड़ कैसे चमकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत शांति है, इतनी शांति है कि आप झिंगुर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। और फिर से एक बार देखो मैं आपको दिखाता हूँ मुरैया के फूल, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी, अगर एक बार आप इसकी खुशबू सूंघ लेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे इसकी खुशबू में। जो भी भाई खुशबू का दीवाना है या शौकीन है वो इस पेड़ को जरूर लगाए, मेरा मानना है उसका जी खुश हो जाएगा एक बार इस पेड़ को लगा के, जब इसकी खुशबू सूंघेगा ना बहुत आनंद आएगा उसको। मैं आपको इसके फूल और पास से दिखाता हूँ। दोस्तों मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं रात में व्लॉग बना रहा हूँ, रोज़ ही मुझे सोने में 1 बज जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा व्लॉग बनाने के लिए, पर जल्द ही मेरे नए व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे टाइम थोड़ा मिला तो मैंने आपके लिए ही मुरैया के पेड़ का बारे में व्लॉग बनाया आपके लिए, और आप देखिए इसका एंजॉय करिए। व्लॉग थोड़ा छोटा ही होगा और आप एक ही और देखिए फूल खिले हुए हैं पीले कलर के। ये दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ सोने, टाइम हो गया है 12:30। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।